गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी अपने डिवाइस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि बैकअप जब करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है योर डिवाइस बैकअप ऑटोमेटिकली, ये नोटिफिकेशन आपको बार बार आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे रिमूव करें आज की वीडियो में बताऊँगा। तो कुछ स्टेप्स इनको फॉलो करना है जिससे आपकी ये बैकअप की जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक बैकअप की वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डिवाइस की सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं अपनी डिवाइस की सेटिंग है उसको ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें जाना है अबाउट फ़ोन वाले सेक्शन पर। तो जैसे मैं यहाँ पर अबाउट फ़ोन वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ, नीचे स्क्रोल डाउन करने पर हमें एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है जिसका नाम है बैकअप एंड रिस्टोर। तो इस फंक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे बैकअप ओन माय डाटा तो ये इनेबल है। तो हमें क्या करना है यहाँ से, तो ऑटोमेटिक रीस्टोर वाला ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आपका भी प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो बैकअप ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, आप उस चीज़ का बैकअप नहीं लेना चाहते और उन चीज़ों का बैकअप ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, तो इस फीचर से हमें इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद देखो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करने, तो यहाँ से टर्न ऑफ़ कर देना इसको। टर्न ऑफ़ करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा जो बैकअप है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली बैकअप स्टॉप हो जाएगा और जब हम बैकअप चाहिए होगा तो हमें इस फीचर को ऑन करना पड़ेगा। और इस फीचर को ऑफ़ करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कीजिएगा और ऑटोमेटिकली जो आपको बैकअप की प्रॉब्लम आ रही थी वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।